ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूर्ति अयुनी प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानको सी पी सच इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहु निर्वैर अकाल मूर्त अयुनी सैभं वर्म जप आद सच तन गुरु दी कमाई है। जेड़ा सिख करेगा कमाई वो भी गुरु दी खुशियां ले लेंदा। तन गुरु प्यारे, गुरु दे प्यारे बनना है। गुरु दी सेवा करनी, गुरु दा नाम जपना है, गुरु दी बाणी पढ़नी है, संगत करनी वो है चंगी, जिथे आवे याद प्यारा। बिदती जुड़ जे दुनिया भुल जे, जीवन सफल हमारा। कोई दर ढूंढो, दर लभो, जित दर वसे, जिथे वो वसदा है वो दर केड़ा है। सो दर कोई आई कहे, जित दर वसे कौन दर कहिए। पढ़ियो शब्द, जित दर वस है कौन दर कहिए। जिथे रब वसदा है वो दर केड़ा है। दरा पीतर दर कवन लहै। ओदा बहुत दरा दे अंदर दर है, उन्दे पासे दीवारा बहुत नहीं, उन्दे विच ओ दरबार है जिथे जेड़ा दर आपां लभना है, प्राप्त करना है। जिस दर कारण फिरा उदासी। जेड़े दर दे वास्ते मैं उदासी फिरा, मैनू खुशी ना आवे। सो दर कोई आए कहे। ओ दर कोई मैनू आण के दस देवे, बता देवे। वो गुरु प्यारे महापुरशां तों मिलदा है दर, बख्शिश मिलती है। जेड़े जुड़े ने उन्होंने मिलता है, दूजियां नहीं। बाबा खेम सिंह जी महाराज ने बहुत संगत नू जोड़िया सी।
संत सुजान सिंह जी महाराज कीर्तन करते सी, वो बाबा जी दे कीर्तनी सी, कहते सी जो कुछ है तन बाबा आनंद सिंह जी ने, मैं कीर्तनी हाँ। बाबा आनंद सिंह नू ना छड्डियो, गुरु ग्रंथ साहिब नू ना, मेरिया फोटो ना लायो, मेरी पूजा ना करियो। उन्दे नाल मैनू सुख नहीं मिलेगा। बाबा खेम सिंह जी महाराज उन्होंने कोल जाके रहे सी दिल्ली विच, बहुत समा बाबा जी तो बख्शिशा लईयां सी, उन्होंने कोल कमरे विच रह के आपदा नेम करदे सी 2.5 घंटे दा। सारी उम्र मर्यादा सी उन्हां दी, ते सुखमनी साहिब दा पाठ करना, गुरु साहिब दे हजूरी रहिरास कीर्तन सरवण करना, हुक्मनामा सरवण करना, उन्हां दी लिब सी बाबा आनंद सिंह जी ने लाई। जदों असीं मन्नीए गुरु नूं फिर तां साडे च गुण रहिंदे आ, नहीं तां उगण आ जांदे आ। जिहड़े लोक पाकिस्तानों आए सी, शराबां पीण वाले सी, मांस खाण वाले सी, उहनां नूं महापुरखां ने अमृत वेला बख्शता, उन्हां नूं नाम दी दात बख्शती, वह माड़ा फिर नाम जपण। महापुरखां ने देवते बनाए, पहलों राक्षसां वर्गे सी, आए सी पाकिस्तानों, कोई पठाणा दे इलाके च आया सी, कोई पिशौर चो, कोई काबल कंधार चो, कोई किसे पासों। महापुरश बदल देंदे पर जे संगत करो, जिन्नी देर संगत करांगे उन्नी देर सब कुछ रहेगा। जदों संगत छड़ देंगे फिर माला भी विसर जांदी है, नाम भी विसर जांदा है, फिर अमृत वेला भी जाना शुरू हो जांदा है, फिर ओही चोरियां करनियां, शराबां पीने, झूठ बोलने, लड़ाइयां करनियां ठाणियां कचहरियां च। जदों उन्हां संगत छड्डी फिर उन्हां नूं ओह पिछलियां बीमारियां ही आण चंबड़ियां। जिन्नी देर करदे रहे इत्थे बाबा जी दे दरबार विच, अमृत वेला संभालदे सी, सुखमनी दे पाठ करदे सी, महापुरखां दी संगत करदे सी, उन्नी देर तई ठीक रहा। बाद विच फिर सारे औगण आने शुरू हो गए। तू विसरे तां सब को लागो, जे गुरु तो असी थोड़ा जिहा पिछोड़ा पावांगे ना, पिछलियां बीमारियां उगण सारे आने शुरू हो जाणगे। नाम दी दात मंगीए, नाम जपिए गुरु साहिब तो, जप लो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी, गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छड़ जाए, जम छड़ जाएंगे, दफ्तर दी मर्यादा की है, दफ्तर जान के दफ्तर दा काम करो, जे नहीं करोगे
ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਲੇਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਸ ਠੀਕ, ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ 'ਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਬੀਬੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਬੀਬੀ ਚਰਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਉਹਨੇ ਲਗਨ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਆਣ ਕੇ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 13 ਪਾਠ ਜਪਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 13 ਪਾਠ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ 5 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ, ਜਪਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਾਉਣੇ, ਮਾਲਾ 30-35 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਨੇਮ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਰੋਜ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ, ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਓਨਾ ਲਾਇਕ ਬਣੇ, ਓਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਓਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਗੰਢ ਬਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਕਰਨਾ, ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਧੰਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਪ ਲਓ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਹਾਲ ਸਚ ਜਾਲ ਸਚ ਹੈਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੜੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ,
बाबा जी कहते भाई बड़ी अखा बंद करके नाम जप रहा सी, किन्ना दे दर्शन कर रहा सी, किथे ध्यान तरिया सी। बाबा जी कितों? गुरु नानक साहब दे दर्शन कर रहा सी। कहिंदा जी साडे कर्मां च कितों? गुरु नानक साहब। बाबा जी कहिंदे फिर चक्कियां फेरन दा की फायदा है? कहिंदे चक्की कमाउण दा लाभ की है जे चक्की च दाणे नहीं पाए पीसण वास्ते। चक्की चलाई जाओ पुड़ कसाई जाओ, कहिंदे पुड़ कस जाणगे, दिमाग औड़ा हो जाएगा, पोपड़ी हो खोपड़ी हौली हो जाएगी। इंदे च भावना दे दाने पाई जा, भरोसे दे दाने पाई जा, निम्रता दे दाने पाई जा। जदों चक्की पीसनी है, जदों माला करनी, फिर उदों रब दे भरोसे नूं भी लेना नाल। दीन दयाल भरोसे तेरे, तेरे भरोसे। पढ़ो सारे। दीन दयाल भरोसे तेरे, वार चढ़ा तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परवार परवार चढ़ाया बेड़े, सब परवार चढ़ाया बेड़े, परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े, दीन दयाल भरोसे परवार चढ़ाया बेड़े। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। सब परवार करना है आप दे गुरु दे भरोसे दे, ये लेखे लगना चाहिए। पुण दान सफल होवे, भगती सफल होवे, भोरियां च वड़ के माड़ा फेर दे महापुरख, जंगलां च लुक के दुनिया तो ओला करके, सैर ते होयो गुरु दे लड़ते लगो, नाम जपो। पाप नहीं करने, गुनाह उगण नहीं पल्ले बनने, लोक औगुणा की बनने गंठड़ी, गुण ना बिहाजे कोई, औगुणा दिया गंढा बन दे, गुण का व्यापार नहीं करते, गुण पल्ले नहीं बनी जाते, एक एक गुण करके पल्ले बनी जाओ तो गुणा वाले बन जाएंगे। अमृत वेले उठ के इशनान करके जिन्ना नाम जपिया जाए मन गुरु वाले पासे ला लेना, किसी पासे नहीं लगन देना, गुरु नाल जोड़ लेना। मन तन तेरा, तन भी तेरा सतगुरु जी,
पढ़ो इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाउ अकाल मूर्ति अयुनी सैभं वर प्रसाजा आज सच जुहार सच है भी सच नानक होसी भी सच इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाउ निर्वैर अकाल मूर्ति अजुनी सैभं वर प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच गुरु दी संगत विच आ जा गुरु दी संगत आके नाम जपला बाणी पढ़ला सिमन करला मुश्किलां आउंदियां ने उह चंगियां होंदियां ने जिहड़ियां गुरु वाले पासे लै के आउण सुख आउंदे ने जिहड़े गुरु तो दूर लै जाण उह माड़े होंदे आ सुख आए गुरु तो दूर लै गए वो सुख माड़े ने जेड़े दुख गुरु वाले पासे लै आउंदे आ वो चंगे ने सब तो पहली रह रास दे विच पंक्ति है दुख दारू सुख रोग पया दुख दवाई बन गई सुख बीमारी बन गई गुरु तो दूर चला गया लोक अवगुणा की बनने गठड़ी गुण ना बिहाजे कोय गुणा का गाहक नानका विरला कोई होए जोड़ गुरु दे चरणा नाल मन भगती कर ला सिमन कर ला संगत कर ला बैठा नाम जपी जा सारी रात जागया पहरा दिता माड़ा खोई नहीं फेरी सारी रात जागया नाम कोई नहीं जपिया कहिंदे जागना वो चंगा है जिंदे विच नाम जपे गुरुद्वारे आया भगती कोई नहीं कीती कहिंदे तेनू गुरुद्वारे दा इहदा फिर लाभ की होया ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਕਮਾਲ ਆ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਜੇ ਫਲ ਕੱਟੇ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਫਲ ਵੱਧ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਡਬਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਸੌ ਗੁਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੀ ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਮਾਲਾ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਕਰੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਭਜਨ ਤਾਹੇ ਚਿੱਤ ਲਾਵੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਵੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨਾ ਲਾਓ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਵੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਸੰਤ ਜਣਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉੱਚੀ
संतां महापुरखां दी जिहड़ी बाणी उन्हां दे दरबार विच जिन्नी भी पढ़ी जावे, जिन्नी भी जापदा है, साध संगत निध हर को ना। साध संगत भी जिहड़ा खजाना है ना, वो रब दा नाम ही इत्थे आण के पुछो आण के जिहड़ा खजाना तुसी लैणा जी, वो रब दा नाम है। साजना दे संगत दे विच संग सहाई जी कै का, वो नाल भी जाएगा, जी दे काम भी आएगा शरीर दे। खजाना नाम है महापुरशां दी संगत च, वो तुहाडे काम भी आएगा। असली काम आने वाली चीज वो होई है। संत रेन नित मजन करे, जे तू मजन करना इथों दा ते साधुआं दी धूड़ी च, फिर गुरुआं दी महापुरखां दी धूड़ी दा रेणका दा मजन कर। जन्म जन्म के किल बिख हरै, इत्थे आण के जिहड़े धूड़ी च वह जन्मा जन्मा दे दुख दूर कर लैंदे आ। संत जना की उची बाणी, संता महापुरशां दी बड़ी उची बाणी। सिमर सिमर तरे नानक पुराणी, सिमर सिमर के गुरु नानक साहब कहिंदे बड़े पुराणी तर गए। ये घर घर दा है, हीरियां दी दुकान ते जाओ, हीरियां दा व्यापार करो, फलां दे जाओ, जेड़े मर्जी पासे जाओ, उनका व्यापार कर लवो, उत्थे ओही चीज मिलेगी। किरयाने दे स्टोर ते किरयाना मिल जाएगा, सब्जी मंडी च सब्जी मिल जाएगी। इत्थे भगतां दी मंडी, इत्थे भगती दा तन हैगा, इहनू लै जाओ इत्थे आण के। जिन्हें पुछो साहब आना इस स्थान महापुरखां दे, संत जना की उची बाणी, ये बाणी बहुत उची है जिहड़ी इत्थे जपदे जी। लोग गां दी गां पालदे आ कि शायद उत्ते फल ज्यादा है। असी स्थान बनाया हजूर साहब आसना नदी ते, एक परिवार बड़ा सेवा करता सी मिस्त्रियां दा, उन्हां प्रशादा लेके आना, जदों भजे आना परिवार ने, बड़ी सेवा करनी, बड़ी उन्हां दी भावना बन गई। वैसे ही मेरे मन च आया कि दिन मैं क्या भी तुहाडी जिम्मेवारी इत्थे सारी, तो मैं कह वेख तो लीए भी है जिम्मेवारी आए भावना भरोसे आए या किस तरह दे। तो मैं फोन ते कह लग पिया तू इत्थे खराबियां करी जाना, यह करदा वो करदा, वाहवा झिड़किया, काफ़ी कुछ किया। वो घरे जा के सोच ला पे इन्नी देर प्रशादे लिया, इन्नी देर आए, इन्नी देर भजे फिरे दिन रात सारा परिवार, तो सानू इनाम की मिले, आह मिले। मन उन्हें थोड़ा पिछे मोड़ लिया, कह लग पे प्रशादे लिया, दसवंध कटे सी, आ सेवा कीतिया सी, आ मिले। अभी तो हम वेख रहे सी भी कितने को है, मैं क्या सारी जिम्मेवारी तेरी। फिर वो सचखंड वाले पासे उन्हें क्या कलगीधर पातशाह दा स्थान है, उधर जाने, जो उधर गए उधर जिहड़े पाठी सी जां होर जथेदार सी जां कोई भी सन उत्थे, वो सारे कहिंदे तुसी कलगीधर दा दरबार छड़ के क्यों जांदे रहे उत्थे, उन्हां कोल क्यों जाते रहे।
हुण आ कुछ मिलिया हुण आए जी कि इत्थे गुरु कलगीधर पातशाह की सेवा करो। उन्हां पिछे क्यों लगे रहे? उह लग गए सेवा करन, उत्थे छड़ता। असीं एक दो वारी प्रेरणा दित्ती कि कोई गल नहीं, पर उन्हां नूं जिहड़े पूजा धाण खाण बैठे हुंदे आ ना, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਆਹ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮਾਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਓ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗਏ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਵਾ ਮਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ ਲੱਗ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦਾ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਸਫਲੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਟੋਕਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇ ਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਧਰ ਲਾਉਣ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਲੇਖੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। 2 ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਪੋ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੋ। ਕਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ।
कई कहना मैं समाधियां लाउनी है, मैं माला फेरनी है, मैं ध्यान तरनी है, ये तो आडंबर ने सारे नहीं भाई, ये रब न मिलन दे साधन ने, ये ध्यान ने, यही रब इसे भी ध्यान तरना है। सेवा च सेवा करदे करदे नाम जपो, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर काल मूरत अयुनी सैभंग प्रसाद जप, हाल सच जुगाल सच है पी सच नानक होसी पी सच। संत की सेवा नाम ती आई, संतां दी जड़ी सेवा करनी है नाम ही जपना होंदा है, ते नाम जपी जाओ जिन्ना जप सकदे आउंदे जांदे बैठे सेवा करदे। महापुरश बेपरवाह बैठे सी, ओ चला गया, सारियां संगतां माया टोकरी च रखियां जांदियां सी, संत सतनाम वाहिगुरू करके नाम जपाई जांदे सी, सेवा कराई जांदे सी, चको भाई टोकरे चको मिट्टी चको सेवा करो रोड़ी कुटुंब जिहो जिहा कोई उहो जी सेवा दे लगी है। सारे सवेर तो लिया के बिठा देंदे सी शामा तक, बन लो मड़ासे चक लो कहीं चक लो सीमण दे टोकरे इट्टा बजरी नाल बह जांदे सी। सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु जी, सत नाम वाहे गुरु। ये संत पहलो हैगे सी फौज विच, पहलो घर च सी, ते घरे चोरियां करदे सी, खड़क सिंह चोरियां बड़ियां करदा सी। मां बावा सी ना, पिंड माखी सी, माखी दा मशहूर बंदा सी चोरियां करन दा, बावा चोर बड़ा नाम सी बावे चोर दा, पिंड माखी सी। मां प्यो ने कहा भी ये बड़ा चोरियां करदा, रोज कोई ना कोई पुलिस दे चक्कर लोकां दे पै रहिंदे आ। उन्हां ने कहा भी तू चोरियां छड़ दे, ते रोज पाठ भी करना आण के, पहले चोरी करनी फिर आण के पाठ करना दो घंटे। ते माँ प्यो कहिंदे तू पाठ भी करदा ते चोरियां भी करदा है, तू बाविया चोरियां छड़ दे रोज। कहिंदे ये तो पाठ मेरे पढ़ते टके जांदे आ, मेरी लाज रहिंदी, पाठ तो मैं जरूर करना है, चोरियां भी जरूर करनी है। ना आखे लग्या उन्होंने फौज च भर्ती करता, फौज का कानून बड़ा सख्त सी, ते आदत हैगी सी पहले चोरियां करनियां फिर आके पाठ करना, दिन चढ़े सौ जाना, पहलो बारह एक दो तीन बजे ती चोरियां फिर पाठ से दो तीन घंटे ला देने, ते जदों चोरी करन जांदा सी उदों डरदा सी फड़िया ना जावा, फिर भी पाठ करदा सी, पर वो पाठ ने चोरियां छुड़ा दियां। महाराज पुरखां ने कहा सी नहीं ऐब छुड़दे ते नाम जपी जाओ, नाम दी शक्ति तुहाडे ऐब छुड़ा देगी। मां प्यो ने फौज च भर्ती कराता, ते ड्यूटी लग गई बगदाद विच, उदो इक्को ही सी सारा, बगदाद दे विच ड्यूटी लगी फौज दी, उत्थे कंपनी सारी चली गई। ये हुण सौण दी आदत नहीं सी, चोरियां करन दी आदत सी, पाठ करन दी। उथे नंदा नदी लंघ दी कोलों, उस नदी ते गुरु नानक साहब जी आए सी, उथे जाके बह के पाठ करना, रात गुरु नानक साहब नूं चेते करना, ते अरदास करती जी। हुण उथे सख्ती बहुत सी फौज च, चोरी हो नहीं सकती सी, सख्ताई ज्यादा सी,
गुरु साहब दे अगे अरदास करनी नंदा नदी ते गुरु नानक साहब आए सी उत्थे जाके पाठ करना नाम दी दात मंगनी जी मेरी झोली च नाम दा खैर पाओ मेरा मन नाम बंदगी ना लग जावे अरदास करनी। एक दिन गुरु नानक साहब दे दर्शन हो गए। वो कहिंदे सी जदों गुरु नानक साहब ने दर्शन दिते ना क्या भाई जीओ नाम जपो कहिंदे जीओ करके गुरु नानक साहब बोलदे आ। फिर जदों ही साखी सुनी फिर असीं वेख्या भी गुरु नानक साहब वाकई जीओ बोलदे आ। जिन्नी बाणी बाबे नानक दी है ना गुरु ग्रंथ साहिब च उन्होंने जियो ही लिखिया मन प्यारिया जियो मित्र। कहिंदे गुरु नानक साहब जी नहीं गुरु नानक साहब जियो बोलदे सीधे साधे सी महापुरख बिल्कुल सादगी बाणी बाहरों तां कौड़ी भी बोल जांदे सी गाला भी कढ दिंदे सी कुछ भी कह दे। गुरु साहब ते बड़ी श्रद्धा सी कहिंदे जी नाम किवें जपां किहड़े भोरे च किहड़े बण च किहड़े कित्थे जावां। कहिंदे नाम जपिया जांदा महापुरखां दी संगत च उहनां दी संगत जा के सेवा करो ही असली नाम है। महापुरखां दी संगत कर जाके जिहड़े सेवा भी करदे आ नाम भी जपदे आ उत्थों फिर आ गए महापुरशां कोल बाबा गुरमुख सिंह दियां बाबा साधु सिंह दियां सेवा चल रहियां सी। इट वटे चकने कईआं चलाउणियां मिट्टी ढोनी गुरु नानक साहिब ने कहा सी ये सेवा सब तो उत्तमी ये नाम समाधि ध्यान सब तो उच्चा है कि सेवा करते हुए नाम जपना। उन्हें कहा सी हाथ पाओ कर काम सब चित निरंजन नाल ये नहीं कि चित तेरा कुछ करी जाता है तो तू पाठ गुटका लेके बैठा माड़ा लेके बैठा चित ने कोई छड़िया नहीं काम। कहिंदे चित नाल नाम ते हत्था नाल काम वो फिर बहुत सच्चे सुचे महापुरख बने। गुरु नानक साहब दे दर्शन होए सी कार सेवा करा रहे सी 5 लाख रुपया लेके आ गया जथेदार जी नाल। बाबा जी मैं 5 लाख देना है। कहिंदे भाई टोकरी च रख दे। बाबा जी मेरिया कोई शर्तां नहीं। महापुरखां ने वेख्या भी ये माया लेके आया तो शर्तां रखदा है। बाबा जी मेरिया कोई शर्तां नहीं मैं 5 लाख लेके आया सेवा। कहिंदे शर्तां तां इधर पूरियां होणगियां वो जिहड़े दरबार साहिब वाले पासे इशारा कीता कमेटी वालिआं पासे भी शर्तां तां तेरियां कमेटी पूरियां करेगी जे शर्तां कराउणियां इत्थे जे रखणी सेवा च लाउणे आ टोकरी च रख दे। अगे साडा ते बाबे नानक दा साहब है असीं गुरु नानक नूं साहब देना किसे बंदे नूं नहीं देना। तूं रखणा ते टोकरी च रख जा। कहिंदा जी मेरी 2-4 जरूरी बेनतियां मन लो फिर इत्थे आ गया। एक तां मैनूं रसीद दे दिओ एक मेरा नाम इत्थे जरूर लिख दिया जी खास जगह ते 5 लाख रुपये दा। दूजा सिरो पाओ ते प्रसाद दे दिओ जिन्हां दे नाल सेवा जिन्हां दी माया मेरे नाल उन्हां नूं मैं देना जाके। रसीद भी चाहिए सरोपा भी चाहिए प्रसाद भी चाहिए। कहिंदे भाई ये तो कमेटी पूरियां करेगी साढ़े कोल तो लुटा के जाने ही ते गवा के जाने ते टोकरी च पा दे।
जे तो वड्डियां वड्डियां लिस्टां ते पत्थरां ते नाम फिर तो भाई वो कमेटी आलियां तो लिखवाड़ा कहन कहेंगा तो हरिमंदर साहब से भी वह लिख देंगे सोने च भी लिख देंगे पत्थरां ते लिख देंगे वड्डे तो वड्डा नाम तेरा पा देंगे। नाम लिखाउणा गुरु साहब की हजूरी च पहुंचे नाम सेवा इत्थे किते किसे दा ना नहीं। बाबा जी कहिंदे नाम लिखाओ। कोई देर बाबा जी ने लिखाए कमरियां ते पक्खियां ते फिर बाबा कहिंदे नहीं भाई बंद करा दिओ किसे कमरे ते नहीं ना लिखना किसी पखे दे नहीं जिन्हें करनी सेवा कर ले। उस तो बाद फिर बाबा जी ने बंद कराते गोलक भी बंद करा दी पहले गोलक भी सी कि नाम नहीं किसी के नाम ताम दरगाह विच चीज पहुंचे संत की सेवा नाम ती आई है। संत जना की उच्ची बाणी महापुरखां दी जिहड़ी सेवा है ये तीर्थां नालों उत्ते जे महापुरखां दे स्थान तप स्थान दे दर्शन उधर ठाठ तीर्थां दे जावो एक साधु दे स्थान दे दर्शन कर लो अठ सठ तीर्थ जय साध भगत रे। एक साधु महापुरश तप स्थान दे दर्शन कर लो बाबा आनंद सिंह जी का स्थान है नानक सर पुचो साहब बंदगी वाले महापुरख के स्थान पर आ जाओ तो सारिया गुरुद्वार मंदिरों से जाओ उन्ना फल जिन्ना मिलना इतनी उस तो वध मिल जाना उत्थे जाके शायद तुहाडा तीर्थ सफला होवे ना होवे। उन्हें कहा भी इतने माया जिहड़ी तुहाडी पता नहीं किहड़े खातियां च पै जानी महापुरशा कोल करो। संत कहिंदे तू लै जा भाई माया चक्के रसीदा लै ला पत्थरां ते लिखाला जो मर्जी लॉस मिंटा करा ला वड्डियां पोथियां छापदियां उन्हां च नाम तेरा आ जाएगा। सानू तां माया चाहीदी है गरीबी निम्रता पावना वाली आई जानी साड़ी टोकरी सारा पूरा करी जांदी फिर अखीरी मन नीवा होया। जथेदार ने समझाया भी लेखे ला पाही की पिया नामानुमा च फिर वह माया महापुरशा के कुल सेवा च दे गया खुशियां प्रसन्नता लै गया तो सुख भी मिलता है। बड़े बड़े नाम खवा के सतगुर कहिंदे तू खट नहीं सकेगा कोई दिखावे ना कर नाम ना लिखा निम्रता गरीबी दे विच पाठ सिमरन कर लोक छिप के जिन्नी भगती हो जे किसी नूं दिखावा नहीं। हुण हुक्मनामा ते सारे दीवान च पहुंचिया करो रहन सबाई सुनिया करो सारी रात कीर्तन होंदा है। हुण सुखमनी दे पाठ करके जाना बाद विच सारी संगत ने जन्म सफला करो आपदा सिमन भगती करो जिहड़ियां आपां विचारां कीतियां गुरु साहब हिरदे च वसाउण सानू चरणां नाल जोड़न नाम दी दात दे दें। महापुरखां ने कहा सी गुरु नानक साहब ने इह साधू दी संगत विच नाम जपिया जांदा है जा महापुरखां दी सेवा च लग जा सब कुछ मिलेगा। एक खजाना है संतां दे चरणां दे विच खजाना हुंदा है साधुआं दी सेवा च। हर जस गायो हर जस गायो संत जना मिले हर जस गायो संत कोट जन्म के दुख गवायो जो चात सोई मन पायो।
कर कृपा हर नाम दिवायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई, प्रसाद नानक मत पाई, हर जस गायो संत जना मिल, हर जस गायो संत जना मिल। श्लोक पवन गुरु पाणि पिता माता दत्त महत, दिसरा दोय दाई दाया खेले सगल जगत, चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर, जी करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिने नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले के ती छुटी नाल, जिने नाम ते आया गए मसकत नानक ते मुखुजले केती छुट्टी नाल, केती छुट्टी नाल। श्री वाहे गुरु जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद तनासरी महला पंजवा, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे, निमुख निमुख तुम ही प्रतपाल हो, हम बारक तुमरे तारे, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे, निमुख निमुख तुम ही प्रतपाल हो, हम बारक तुमरे तारे, जिहवा एक कवन गुण कहिया, बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना किन्ही लहिया, रहाओ कोट पराध हमारे खंड हो, अनक विधि समझाओ, हम अज्ञान अलप मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले।